हमारे साबिका मेयर बल्दिया और इस इलाके के 12 नंबर के कारपोरेटर अब्दुल सत्तार साहब से गुजारिश करता हूँ अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो प्रोग्राम रखा गया नागरिक सत्कार बोल सत्कार मूर्ति हमारे नेता अशोक राजी चौहान और साथ में हमारे स्थानीय स्वराज के आमदार अमर राजरुकर जी, दक्षिण के आमदार मोहन राव हम्बड़े जी, नांदेड़ की मेयर निमोनी एवन करताई, डिप्टी पे मेयर मसूद खान, मेरे साथी साबिका डिप्टी मेयर समीर अब्दुल्ला जी, सभागृह नेता और चेयरमैन वीरेंद्र सिंह गाड़ी वाले शेर अली भाई, चांदपाशा भाई, गफार भाई, सभी मेरे साथी कारपोर्टर बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज इस जो जलसा रखा गया शमीम अब्दुल्ला जी की जानिब से और हमारे नेता उसमें शिरकत किए, तहे दिल से पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं नेता का, क्योंकि जिस तरह से नांदेड़ महानगर पालिका में एक हाथ सत्ता आपने दी और उसमें सभी कारपोरेटर जो चुन के आए और इस एरिया का जो विकास है, इस खुदबे नगर का विकास सिर्फ करने वाले सिर्फ हमारे नेता अशोक राजी चौहान, आज 30 साल से देख रहे हैं आप। आज खुदबे नगर का चेहरा मेरा जो बदलने का काम सिर्फ नेता अशोक राजी चौहान ने किया है। अभी आपके सामने कई बातें आपने शमीम ने बताए कि आज इस शहर के और ब्रिज का जो काम हमारे नेता ने स्टेटमेंट दिए 1000 करोड़ जो देखले नाके का और ब्रिज होने वाला है, तो ये बताना है कि आप लोगों को अभी वकील साहब ने बताया, रहमान सिद्दीकी साहब ने, तो ये इलेक्शन मीटिंग नहीं है, पर बताना जरूरी है कि भाई आप जो जज्बात में भाग जाते हैं, काम कौन करता है और वोट किसको देते हैं आप विधानसभा में, ये नौजवान बच्चों को सोचने का काम है। आज देश किस तरफ जा रहा है, आज भाजपा की सरकार किसके ऊपर अन्याय कर रही है, आप सोचिए, आपका एक वोट किस मोड़ पर ले जाता है, ये सोचने की बात है, क्योंकि जो काम करते हैं वो आपके सामने रात दिन मेहनत करते हैं और जज्बाती तकरीर कर कुछ फिरका परस्त ताकत ही बोलना चाहिए उनको भी, मैं फिरका परस्त ही बोल सकता हूँ, एमआईएम को फिरका परस्त ही है वो, क्योंकि आज हिंदुस्तान में जहर घोलने का काम सिर्फ एमआईएम कर रही है, क्योंकि देखिए आज वाजिद एडवोकेट जो आज हमारे कांग्रेस में जो शामिल हुए, एक अच्छा बच्चा, मेरा दोस्त का बच्चा है, आए देर से आए भाई, देर से आए भाई, एक आप जिसकी ख्यादत में काम कर रहे हैं वो एक आदमी हमारा नेता अशोक राव जो एक साफ सुथरे नेता है, हर आदमी को काम करने का मौका देते, हर कार्यकर्ता को काम करने का मौका देते। बताना यह है कि भाई आने वाले वक्त में 13 वार्ड के इलेक्शन होने वाले, वार्ड नंबर 13 के, आपने एक साल पहले देखे हैं मेरे फरजान अब्दुल गफ्फार को आप लोगों ने 2000 की लीड से चुन के दिए थे, और जो गद्दार थे, जो कांग्रेस के छोड़कर जो गद्दार गए थे उसकी जगह बताया आप लोगों ने, उसी तरह आने वाले वक्त में प्रभाग 13 के बाई इलेक्शन होंगे जिसमें हमारी बहन का इंतकाल हुआ था, इंशाल्लाह 1-2 महीने में उसके इलेक्शन है और एक बार फिर आपको वोट करना है। पर आप सोचिए कि आज कोरोना का काल में हमारे नेता अशोक राजी चौहान ने आप देखे रात दिन जो मेहनत कर हर चीज की आपको सहूलत पहुंचाए है, कम से कम मरीज होना बोल के दुनिया की रात दिन मेहनत की, हम देखे हैं कलेक्टर ऑफिस में जो मीटिंग लेते थे साहब, गैस कम पड़ गया, हर चीज कम पड़ गई, हमारे आमदार दक्षिण के बहुत नंबर है,
उन्होंने अपना फंड दिए, हमारे अमर राजू गर ने कोरोना के कारण में फंड दिए। और सर लॉकडाउन में जितना हमसे होता है, हमने जो जमा करे थे कुल जमा तहरीक की जानिब से सर 65 लाख रुपए जमा कर हमने कुल जमात के बैनर पे सभी कारपोरेटरों ने मिलकर मदद किया, 65 लाख का मदद कर हमने लोगों की खिदमत की है। और जब खाली गप्पा नहीं मारते, हैदराबाद से बिरयानी खाकर आकर खाली लंबे शेरवानियां पीर के आपको बहकाने का काम करिए, फिर एक बार बता रहा हूँ कि हमारी जो क्यादत हमारे नेता शुक्राज जी चौहान देखे हैं आपने, मैं भी 30 साल से हूँ। और अभी हमारे रहमान सिद्दीक साहब ने बताए कि आज उत्तर की सीट गलती से गिरी है, इंशाल्लाह आने वाले इसमें वक्त में हम इंशाल्लाह उसको भर कर निकालने का काम ये अशोक राव का एक एक कार्यकर्ता काम करें मैं वचन देता हूँ। और फिर एक बार हमारे नेता आपने कीमती वक्त आपका निकाल कर इस एरिए में आए, और आपका तहे दिल से सभी हमारे जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करके, और आप लोगों का कीमती वक्त जनता जनार्दन जो आई है, मैं सभी का जनता का भी अशोक राव का भी और सभी का शुक्रिया अदा करके अपने दो लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।